बोचहा में राजद जीत चुकी है, लेकिन राजद के जीतने का कारण क्या है? कौन सी ऐसी रणनीति लगाई गई थी जिसकी वजह से राजद जीती? कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से राजद को प्रचंड बहुमत मिली? आपको बता दें कि बोचहा में हुए उपचुनाव में 82,000 के आसपास वोट राजद को आए थे। वही बात करें भाजपा की यानी एनडीए गठबंधन दल की, तो एनडीए की तरफ से बेबी कुमारी उम्मीदवार थी और बेबी कुमारी को लगभग 42,000 वोट आए। तीसरी तरफ बात करें मुकेश सहनी की, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा था लेकिन राजद काफी आगे निकल गई। मामला भाजपा और वीआईपी के बीच फंसा, 10,000 के आसपास का अंतर है इन दोनों के वोटों में। और बात करें जीते हुए प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी, तो 36,000 वोटों का अंतर है। ऐसे में एक बार फिर से सवाल यही उठता है कि राजद ने उपचुनाव में क्यों जीत दर्ज की, किस तरीके से राजद ने रणनीतियां लगाई कि जीत दर्ज हो पाई। पिछले दिनों बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, वहां राजद क्यों नहीं जीती, किन कारणों से नहीं जीती, ये तमाम चीजें हम इस खबर में चर्चा करेंगे। 29,000 के आसपास का वोट मुकेश सहनी के कब्जे में आया। अब बात करते हैं वो कौन से कारण थे। सबसे पहला अमर पासवान, मुसाफिर पासवान के पुत्र थे और मुसाफिर पासवान के असमय निधन हो जाने की वजह से बोचहा की जनता ये मानकर चल रही थी कि मुसाफिर पासवान को हम लोगों ने 5 सालों के लिए विधायक बनाया था, लेकिन अंत समय में उनकी मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं अब उनके जगह पर उनके बेटा को आशीर्वाद देना जायज होगा। वही दूसरी तरफ बात करें तो भाजपा और जो तमाम दल है उनकी रणनीति कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। बात करें हम उपचुनाव की, तो उपचुनाव 2 जगह हुए थे, वहां एनडीए गठबंधन जीत दर्ज कर पाई थी, उस समय मुकेश सहनी साथ थे। इस समय मुकेश सहनी ने बड़ा झटका दिया है, मुकेश सहनी 30,000 वोट लाए हैं, 36,000 हार जीत का मार्जिन है और कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसकी वजह से वहां की जनता भाजपा से काफी नाराज थी। आगे की बात करें तो लगातार महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं बिहार में, जिसको लेकर भाजपा के प्रत्याशी से काफी लोग नाखुश थे। और खासकर बात करें भाजपा के प्रत्याशी बेबी कुमारी, तो बेबी कुमारी से लोग काफी असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे। आगे की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे, आगे के जो कारण है उसे मूल कारण यह है कि भूमिहार समाज की नाराजगी भाजपा पर भारी पड़ी। इस तरीके से भूमिहारों ने वहां एक माहौल बनाया राजद के पक्ष में और बाकी जो जातियां थी कहीं ना कहीं उसका समर्थन मिला। पासवान का भी समर्थन मिला था, वहीं मुस्लिमों और यादवों का समर्थन मिला, भूमिहारों का समर्थन मिला, तो खासकर ये जो समीकरण थे बने बोचहा में जो कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर पाने में सहायक सिद्ध हुई। एक तरफ जहां मुकेश सहनी ने भी दावा किया था, लेकिन अंततः नतीजा राजद के पक्ष में आया और राजद मजबूती से उभर कर सामने आई। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।